रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं धमाकेदार लीप का सीक्वेंस। हम आपको बता ही चुके हैं किस तरह से ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अक्षरा और अभिमन्यु के रास्ते जो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, अब अक्षरा और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे से अलग अपनी जिंदगी बिताते हुए आपको नजर आएंगे। और वहां दूसरी तरफ शो की कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी में नए हमसफर आ चुके होंगे। जहाँ एक तरफ एक अनजान शख्स के साथ अपनी जिंदगी जीती हुई अक्षरा आपको नजर आएगी, वहीं परिवार वालों के दबाव में आरोही को अपना नाम दे चुका होगा अभिमन्यु, यानी आरोही के साथ शादी कर चुका होगा अभिमन्यु और आरोही के साथ साथ उसके बच्चे को भी अपना बना चुका होगा अभिमन्यु। हालांकि प्यार अभिमन्यु शादी के बाद भी आरोही से नहीं करने वाला है। शिकायतें अभिमन्यु के मन में अक्षरा को लेकर ढेर सारी होने वाली हैं। लीप के बाद भी इन शिकायतों के साथ जीता हुआ ही अभिमन्यु आप सबको नजर आएगा। लेकिन देखना होगा 5 साल बाद की ये नई कहानी जब अक्षरा अभिमन्यु अपनी अपनी जिंदगी में बढ़ जाते होंगे आगे शो की कहानी को किस मोड़ पर लेकर जाती है। 5 साल बाद की इस नई कहानी से सीरियल को कितनी अच्छी टीआरपी मिलती है ये देखना होगा।